हेलो एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इन दिस पार्ट वी विल कंटिन्यू नदन प्लेन्स. द नदन प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. अब देखिए, जिस तरह से हिमालयस डिवाइडेड था अलग अलग रेंजेस में, इसी तरह से जो नदन प्लेन्स है वह भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदन प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स. देखिए, नदन प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है उसे हम कहेंगे पंजाब प्लेन्स. फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और यह किससे फॉर्म होता है? इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से. द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और इस प्लेन का जो मतलब पंजाब प्लेन्स का जो लार्ज पार्ट है वह कौन से कंट्री में आता है? पाकिस्तान में. द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इंडस के साथ साथ इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती है? द झेलम, द चेनाब, द राबी, द ब्यास एंड द सतुलज ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, और इन सबका उद्गम स्थल या ओरिजिनेट प्लेस क्या है? हिमालय. दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द डुआब्स. द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स. इट्स स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. ऑफ इट्स ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन. देखिए, अब जो गंगा प्लेन्स है वो कहाँ एक्सटेंड होता है? इन सारे स्टेट को या कवर करता है. द नदन प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लेट लैंड विथ नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ. देखिए, अब जो नदन प्लेन्स है, जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि प्लेन्स, तो जो ये प्लेन्स है जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लेट लैंड, या एक फ्लेट लैंड की तरह डिस्क्राइब है विद नो वेरिएशन. इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई अप एंड डाउन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं है, नथिंग. इट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है. दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी डाइवर्स फीचर है, मतलब इसकी भी अलग अलग तरह के वेरिएशन इसमें होते हैं. अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर द नदन प्लेन्स कैन बी डिवाइड इन टू 4 रीजन्स. देखिए, इसके वेरिएशन के आधार पर नदन प्लेन्स को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है. द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन अ नेरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर एंड विद लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक. इट इज नोन एज भाबर. ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट. साउथ ऑफ द बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई. दिस वॉज अ थिक फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड सो सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन लोकेट दूधवा नेशनल पार्क इन द रीजन. देखिए, अब क्या हुआ, जो नेशनल नदन प्लेन्स है उसको अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया, और अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया और उन रीजन को अलग अलग नाम दिए गए, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, दूधवा नेशनल पार्क. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदन प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियल. देखिए, जो नदन प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट है वह कौन किससे फॉर्म्ड है? एलुवियल से. इट लाइज अबव द फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एज प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर्स. दिस पार्ट इज नोन एज भांगर. द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैल्कोरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कांकर. देखिए, हम ये जो फीचर्स हैं ये किसके इसकी सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, कि उसकी सॉइल टाइप के आधार पर उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फुट प्लेन्स आर कॉल्ड खादर. जो न्यूली डिपॉजिट है उसको खादर कहा जाता है, और जो पुरानी थी उसे बांगर कहा जाता है. दे आर रिनोव्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. देखिए क्या होता है, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट, या टाइम टू टाइम रिन्यू होती जाती है,
इससे क्या होता है, उसकी जो फर्टाइल कैपेसिटी है, जो फर्टाइल क्वालिटी है, वह इंक्रीज होती है, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और जब इसकी फर्टाइल लेवल बढ़ जाता है, फर्टिलिटी क्वालिटी बढ़ जाती है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट सूटेबल सॉइल बन जाती है।